जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट स्मिता कामले नागपुर से, यहाँ पे कामठी स्थित महिलाओं ने जो जयंती का प्रोग्राम रखा है उसी के उपलक्ष्य में मैं अपने विचार रखने के लिए यहाँ पे आई हूँ। जिस महामानव के वजह से ये तमाम महिलाएं, तो तमाम भारत की महिलाएं स्वतंत्र हुई, उनको संविधानिक अधिकार प्राप्त हुए, उनकी जो देन है वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र निर्माता संविधान के शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के वजह से है। सावित्री माई महात्मा फुले ने जो संघर्ष किया, जो शिक्षा की लड़ाई लड़ी, उस समय का जो काल था वो बहती गुलामगिरी का था, ऐसे समय पे फुले दाम्पत्य आगे आकर महिलाओं को मुक्ति दिलाई, उनको शिक्षा दिलाई, अनेकों स्कूल्स महिलाओं के लिए खोले और महिलाओं ने अपना विकास किया। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान के माध्यम से तमाम भारतीयों को, महिलाओं को अधिकार दिए, यही विचार यहाँ पे बताने के लिए मैं आज जो ऐतिहासिक भूमि रही है, जहाँ पे खुद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 1932 को कामठी में जो परिषद ली वो बहुत ही ऐतिहासिक परिषद ली है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का बहुत ही विश्वास था कि समाज को और देश को आगे ले जाने वाली, विकास करने वाली महिलाएं, इतना ही नहीं लोकतंत्र का आधार स्तंभ महिलाएं है। को करोड़ों से भी ऊपर युवाएं इस देश में है और उनका मतदान करने का, क्योंकि युवाओं से देश बदलता है। अगर हम विश्व की बात करें, जिस जिस देश में संकट आया है या फिर ऐसी परिस्थिति आई है जहाँ पे हिटलरशाही और तानाशाही का माहौल रहता था, ऐसे वक्त उस देश के युवा आगे आके क्रांति करते थे, रिवॉल्यूशन करते थे और अपने देश को बचाते थे। यह विश्व के, दुनिया का इतिहास है। ऐसा ही समय अभी भारतवर्ष में आया है, तो मैं भारतवर्ष के तमाम युवाओं को इस कामठी नगरी से यह आह्वान करती हूँ कि साथियों, आपको जो शिक्षा मिली है, जो रोजगार उपलब्ध हो रहे हैं, वह सिर्फ और सिर्फ संविधान के माध्यम से हो रहे हैं, लेकिन 2014 से आपके रोजगार को छीना गया है, आपके शिक्षा को छीना गया है, आपकी स्कॉलरशिप नहीं दी गई है, जबकि संविधान में वह अधिकार दिया है। तो ऐसे सरकार को अभी आपको घर में बिठाना है और संविधान बचाना है, इसीलिए लोकतंत्र के हित में और संविधान के हित में आप लोगों को वोट करना है। थैंक यू। जय भीम। जयंती समारोहाचा हा कार्यक्रम आम्ही यशोधरानगर येथील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर संतागार या परिसरात आयोजित केलेला आहे। त्याचा एकमेव उद्देश असा की महामानवांच्या जयंतीच्या मार्फत आम्ही जनतेमध्ये त्यांचे विचार प्रेरणा देण्यासाठी, त्यांची नवीन विचारधारा तयार करण्यासाठी, आम्ही त्यांना प्रवृत्त करण्यासाठी अशा प्रकारचे कार्यक्रम नेहमीच घेत असतो, जेणेकरून आणि नवीन नवीन असे जे अभ्यासक आहेत या अभ्यासकांना या ठिकाणी बोलावून आमच्या ज्या भगिनी आहेत, आमचे जे बंधू आहेत, ज्या विचाराच्या विरुद्ध दिशेने वाहण्याचा प्रयत्न करत आहेत, अशा लोकांना प्रवाहात आणण्याचं कार्य हे निरंतर आमच्या वतीने चालत असते। आणि जयंती प्रत्यर्थ संपूर्ण भारतवासियांना मी खूप खूप मंगल सदिच्छा व्यक्त करतो आणि मानवांना माझे कोटी कोटी अभिवादन करतो। जय भीम, जय प्रबुद्धा। वेलकम टू M&M ब्राइट इंग्लिश मीडियम स्कूल, जहां आपको क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिफाइड और डेडिकेटेड टीचर्स, सेफ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट के साथ मिलेगा। इस्लामिक कल्चर और बच्चों के माइंड और फिजिकल ग्रोथ के लिए मल्टीपल एक्टिविटीज, बिल्डिंग अ प्रॉस्परस कम्युनिटी, इंस्पायरिंग अ बेटर फ्यूचर। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ले आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कामठी।